हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको जो इक्वेशन दी है लीनियर इक्वेशन, उसको आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी और एलिमिनेशन मेथड से भी। तो फर्स्ट आपको मैं एलिमिनेशन मेथड से सिखाती हूँ। एलिमिनेशन मेथड, आपके पास दो इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये है आपकी इक्वेशन फर्स्ट, और ये क्या है आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो, आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आप देखिए, या तो आप x के कोफिशियंट्स को सेम कर दीजिए या y के कोफिशियंट्स को सेम कर दीजिए। यहाँ पे x का कोफिशियंट क्या है 2, y का कोफिशियंट क्या है माइनस 1 और 4 तो क्या है कांस्टेंट। तो हमें या तो x के कोफिशिएंट्स को सेम करना है या y के कोफिशिएंट्स को सेम करना है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को या तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहां सब जगह 2 आ जाएगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3x 3y और यहां पे क्या आ जाएगा 15। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 3x प्लस y इक्वल्स टू 5। पूरी इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ x और y को नहीं, आपको कांस्टेंट टर्म को भी मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा आपके पास 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 50। ठीक है, हमने इक्वेशन फर्स्ट को कर दिया। अब आप सेकेंड पे आ जाइए, सेकेंड सेम इक्वेशन है आपके पास 2x माइनस 3y इक्वल्स टू। अब आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। एलिमिनेशन मेथड में देखो, आप आपका 3y और 3y प्लस 3y माइनस 3y आपका कट हो जाएगा, कट कर दिया। यहाँ पे देखो 3x और 2x मींस 5x इक्वल्स टू 15 प्लस 4 इज Then x equals to 19 by 5 हो जाएगा। क्या है 5 into x है, 5 किसमें चला जाएगा डिवाइड में, तो x equals to 19 by 5। जो आपकी x की वैल्यू आई है, इसको आप किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कीजिए, या तो फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कीजिए या सेकंड में कीजिए, ठीक है। पुट x equals to 19 by 5 इन इक्वेशन सेकंड, मैं इक्वेशन सेकंड में पुट करती हूँ x, ये है आपकी इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो 2 और x क्या है आपका 19 by 5 माइनस 3y इक्वल्स टू 2 इंटू 19 टू जा 38। देखो 19 इंटू 2 दैट इज 38 by 5 माइनस 3y इक्वल्स टू। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, डिवाइड बाय क्या कर दीजिए 1, 5 की टेबल में 5 कितने टाइम्स आता है 1 टाइम्स, 1 को आप 38 से मल्टीप्लाई करोगे 38, 1 की टेबल में 5 टाइम्स आता है, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए तो 15y इक्वल्स टू। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा 38 माइनस 15y इक्वल्स टू 5 इंटू 4 क्या रहता है 20 रहता है, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ 38 माइनस 15y इक्वल्स टू 20। अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस 15y इक्वल्स टू 38 को आप RHS में लेके जाओगे तो प्लस 38 क्या हो जाएगा माइनस 38। अब देखो 38 में से 20 को माइनस करोगे माइनस 15y इक्वल्स टू 38 माइनस 20 इज व्हाट 18, क्लियर, नॉट 18 माइनस 18, क्योंकि आपको साइन किसका लगाना रहता है हमेशा बड़े नंबर का। 38 के पास क्या है माइनस माइनस आपका कट हो गया, y इक्वल्स टू 15 इंटू y, इसको डिवाइड में कर दीजिए 18 बाय 15। तो आप इसको कट कर सकते हो, किससे कट होगा y इक्वल्स टू 18 बाय 15, तो 3 की टेबल में आता 3 5 15 3 6 18,
y इक्वल्स टू 6/5, ये आपका सब्सिट्यूशन, नहीं ये आपका सॉरी ये आपका एलिमिनेशन मेथड से मैंने सॉल्व किया। देखो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, आप सब्सिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए, आपका दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, यही x की वैल्यू 19/5 आएगी, y की वैल्यू 6/5 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट सब्सिट्यूशन मेथड से मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है सेकेंड। आप फर्स्ट इक्वेशन में से या तो x की वैल्यू निकालिए या y की वैल्यू निकालिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, यहां पे मैं निकालती हूँ x की वैल्यू निकालती हूँ, अगर x की वैल्यू निकालती हूँ तो x क्या होगा y RHS में चला जाएगा, प्लस y क्या हो जाएगा माइनस y, 5 - 1, ये क्या है आपकी इक्वेशन नंबर 3। ये सब्सटीट्यूट कीजिए, आपने फर्स्ट में से निकाला तो किसमें सब्सटीट्यूट करोगे, सेकंड, सब्सटीट्यूट x इक्वल्स टू 5 - y इन इक्वेशन 2, तो ये आपकी इक्वेशन 2 है, तो 2x means 2 5 - y minus 3y equals to 4, 10 - 2y minus 3y equals to 4, 10 minus minus plus, so 2y plus 3y is 5y, sin hamesha greater number ka 3 ke baad kya hai minus equals to माइनस 5y इक्वल्स टू 4 - 10, 10 + 10 था आरएचएस में गया तो -10 हो गया, माइनस 5y इक्वल्स टू 4 - 10, 4 - 10 क्या होगा आपका, 10 में से 4 माइनस करोगे तो 6 मिलेगा, साइन ग्रेटर नंबर का, माइनस माइनस कर देन y इक्वल्स टू 6/1, तो y की वैल्यू मिल गई। इसको आप किसमें पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 3, y equals to 6/5 in equation 3, ये आपकी equation 3 है, इसमें आप y की value को क्या कर दीजिए, put कर दीजिए, x equals to 5 - y, 5 - y, y is 6/5, यहाँ पे 1 कर दीजिए, अब आप लीजिए LCM, ठीक है, 1 की जगह में 5 कितने टाइम्स आता है, 5, 5 को 5 से multiply कीजिए, that is 25, 5 की टेबल में 5, 1 10, 1 को 6 से किया तो 6, x equals to 25 - 6 is 19, 19/5, देखिए 25 - 6, 15, that is 19/5, देखो आपने एलिमिनेशन मेथड से किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, दोनों में आंसर आपको क्या मिला, सेम, x भी 19/5 मिला आपको, और y भी क्या मिला आपको, 6/5. Thank you.